चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन। ये प्रोडक्ट की दो प्रेजेंटेशंस रहने वाली है हमारे एजुकेशन सेंटर लीडर द्वारा। सो आइए नज़र डालते हैं उन प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस में एक एक करके। क्या आप घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाते हैं? अगर नहीं तो आपकी स्किन खतरे में पड़ सकती है। आपकी स्किन पर टैनिंग, प्रीमैच्योर एजिंग, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए सनस्क्रीन का यूज करना बहुत जरूरी है। और मैं आरजू एटमी डायमंड मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर आप सबके सामने द बेस्ट एवर सन केयर प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो कि कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट है एटमी सनस्क्रीन। तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए एटमी प्रोडक्ट के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सनस्क्रीन है क्या। जब भी हम धूप में निकलते हैं तो धूप में से बहुत सारी हार्मफुल रेज निकलती है जैसे कि यूवी रेज जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है हमारी स्किन के लिए। यूवी रेज भी दो तरह की होती है, यूवीए रेज जो कि सनबर्न करती है और स्किन कैंसर करती है, यूवीबी रेज स्किन कैंसर तो करती है लेकिन डीपली हमारी स्किन में पेनिट्रेट होती है जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो नेचुरल कोलेजन है वो डिस्ट्रॉय होता है जिससे कि हमें जल्दी ही रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग आ जाती है। और ना सिर्फ जब हम धूप में जाते हैं तब हमें सनस्क्रीन यूज करना चाहिए बल्कि घर में भी जब हम रहते हैं तो हम लोग आजकल लैपटॉप, मोबाइल फोन ये सारी चीजें यूज करते हैं, लाइटिंग के कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो ये ब्लू रेज जो निकलती है इसकी वजह से भी हमें रिंकल्स, फाइन लाइंस आती है। तो बरसात में जैसे जो अम्ब्रेला होता है या रेनकोट होता है हमें पानी से बचाता है, ठीक वैसे ही सनस्क्रीन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो हम सबको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एटमी सनस्क्रीन जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आता है और मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है। मैं एटमी के सारे प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद करती हूँ। एटमी सनस्क्रीन टू वेरिएंट्स में आता है, व्हाइट एंड बीच कलर में। आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे टेक्सचर और कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है यानी कि डबल प्रोटेक्शन देता है, SPF 50 प्लस जो कि 98% तक सन प्रोटेक्शन देता है प्लस PA ट्रिपल प्लस फॉर्मूले के साथ है। जितना PA में प्लस प्लस होता है उतने ही लंबे समय तक, ट्रिपल प्लस यानी कि 8 और से भी ज्यादा समय तक ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसकी और स्पेशलिटी की बात करूँ तो ये लाइट वेट सनस्क्रीन है, टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत ही इजीली स्किन पे स्प्रेड हो जाती है, स्टिकी बिल्कुल नहीं है और ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए सुटेबल है, वाटर रेसिस्टेंट है, अगर पसीना भी आता है तब भी इसका इफेक्ट खत्म नहीं होता। अगर आप बारिश में है या समर्स की हम बात करें, हमारे ऊपर पानी आ भी जाता है तब भी ये सनस्क्रीन का जो है इफेक्ट वो खत्म नहीं होता। लगाना इसको बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट है। सो सनस्क्रीन की बात करूँ और भी स्पेशलिटी की, इसमें सनस्क्रीन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया ये प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, अगर हम चाहते हैं कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ना हो, डार्क स्पॉट हमारी स्किन पे ना हो, हमारी स्किन डैमेज ना हो तो हमें ये यूज करना चाहिए और जिनको है उन्हें भी सनस्क्रीन को यूज करना चाहिए। सो चलिए अब मैं आपके साथ लाइव डेमोंस्ट्रेशन शेयर करती हूँ कि कैसे इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। सो सनस्क्रीन को यूज करने के लिए आपको
नमस्कार सभी को, मैं अजय कपूर, सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर फ्रॉम गुड़गांव, और वेरी हैप्पी कि आज वनडे सेमिनार में मुझे प्रोडक्ट के ऊपर बोलने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है। वैसे एटमी का प्रोफाइल जो आप सभी को भी पता लग चुका है कि एटमी इज अ ब्रांड नेम ऑफ कोलमार BNH, विच इज कोलमार ब्यूटी एंड हेल्थ, विच स्पेशलाइजेस इन कॉस्मेटिक्स एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 25% कॉस्मेटिक्स कोलमार बनाता है एंड दे स्पेशलाइज इन हेल्थ सप्लीमेंट्स एज वेल। हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स यूनिक हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सुना है, देखा है, बट हमारा मास्टर प्रोडक्ट हीमोहिम, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। सो दिस इज हीमोहिम। हीमोहिम जो है कैरी ने कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोरिया ने टेंडर दिया था 1991 में टू डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू सेव देम एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द रेडिएशंस एंड रेडियो एक्टिविटी ऑफ द स्पेस। 91 में ये रिसर्च शुरू हुई थी, 99 तक ये रिसर्च चली थी, इसमें $5 बिलियन का खर्चा आया था। 8 साल ये रिसर्च चली एंड इट वॉज फाउंड, व्हेन इसका ह्यूमन ट्रायल हुआ, इट वॉज फाउंड वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। ये बेसिकली बोन मैरो के अंदर जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं उनको एनहेंस करता है, उनको एक्टिवेट करता है, जो कि आपके ह्यूमन बॉडी में, आपके शरीर में कोई भी पैथोजन डिजीज कॉजिंग सेल या वायरस पनप रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स नोट किए गए तो कोलमार इन एसोसिएशन विद कैरी इस प्रोडक्ट को अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एटमी 2009 में लॉन्च किया। एटमी का फर्स्ट प्रोडक्ट हीमोहिम था, इट इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ एटमी, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आप लोगों को शायद पता ही होगा। ये प्रोडक्ट 21 पेटेंट्स वर्ल्ड वाइड है, इस पर जापान, यूरोप, अमेरिका, कोरिया, सभी जगह पेटेंटेड प्रोडक्ट है और बहुत सारी बीमारियों पे हेल्प करता है। इट इज अ हेल्थ सप्लीमेंट, वी कैन नॉट क्लेम कि किसी बीमारी का इलाज है, बट इट एनहेंसेज योर हेल्थ। सो दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। अभी मैं दूसरे प्रोडक्ट की यहाँ पे बात करूंगा। सो अगेन वन ऑफ आवर बेस्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। कोरिया के अंदर किंग सेंजोंग अवार्ड एक होता है, अभी है। सो किंग सेंजोंग अवार्ड बेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ईयर को मिलता है, जिसके लिए लगभग 1.5 से 2 लाख एप्लीकेशन आती हैं एनुअली, और सिर्फ कॉस्मेटिक की एप्लीकेशन नहीं होती, उसके अंदर प्लेन, मोबाइल का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, एनी इन्वेंशन, कुछ भी इन्वेंट होता है उसके लिए उसकी एप्लीकेशन फाइल होती है फॉर दिस अवार्ड। और उसकी ज्यूरी भी आउटसाइड कोरिया से होती है, सो दैट इट इज अ फेयर, यू नो, फेयर प्रोसेस ऑफ जजमेंट। इकलौता कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दुनिया का है जिसने ये अवार्ड जीता हुआ, एंड आई थिंक इट डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। सो दिस इज द सेकंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन कोरिया। सो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और इसके बारे में आप लोग और भी रिसर्च कर सकते हैं। देन वी कम ऑन टू आवर थर्ड प्रोडक्ट व्हिच इज प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक्स और गट्स में सभी के अप्रोक्सीमेटली 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया होता है हमेशा, विच कंसिस्ट ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। जब हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया बढ़ता है या ज्यादा होता है तो वो हमारे स्किन पे दिखता है, हमारी हेल्थ पे दिखता है, हम बीमार ज्यादा पड़ते हैं, और जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमारे को क्या लिख के देता है? एंटीबायोटिक्स, और वो एंटीबायोटिक्स हमारे गुड बैक्टीरिया को भी किल करते हैं। सो उस केस में नेसेसरी होता है कि हम अपनी बॉडी में एक रेगुलर इंटेक में गुड बैक्टीरिया, विच इज एटमी प्रोबायोटिक्स, एक स्टिक के अंदर 3 बिलियन 300 करोड़ बैक्टीरिया होता है जो एटमी का एक स्टिक है ये, और इसके अंदर 14 टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिसमें से एक होता है DDS1
स्ट्रेन जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रिसर्च स्ट्रेन है और हमारे प्रोबायोटिक्स प्रोबायोकैप टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड है जो जिसको स्टमक एसिड्स भी बिगाड़ नहीं सकता उनका कुछ मतलब दे डोंट गेट डिस्ट्रॉयड विद स्टमक एसिड्स और वो गट्स तक पहुंचता है अदरवाइज आप मार्केट के जो प्रोबायोटिक्स सस्ते मिलते हैं दे गेट डिस्ट्रॉयड इन स्टमक एसिड ओनली सो इट इज अ मस्ट प्रोडक्ट एंड अगेन इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ एटमी कोरिया एंड इट इज सेलिंग वेरी वेल थ्रू आउट द वर्ल्ड सो दीज आर फ्यू प्रोडक्ट्स आई थिंक आई कुड एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे बाकी नेक्स्ट सेमिनार में हम और प्रोडक्ट्स के बारे में